हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम जा रहे हैं एक आर्ट फेस्ट देखने, मुंबई अर्बन आर्ट फेस्टिवल जो ससुन डॉक के यहाँ चल रहा है। और मेरे साथ और भी लोग हैं जो मुझे ज्वाइन इन करने वाले हैं, और ये आर्ट ब्लॉग है जिसे आगे भी आर्ट ब्लॉग्स आने वाले, तो देखते रहिए। लेट्स सी, अभी हम मलाड से निकलने वाले हैं, और मलाड से वहाँ पर जाने के लिए ट्रेन से तो 1 घंटा लगेगा, और आगे भी कुछ ट्रैवलिंग होगी। तो लेट्स सी कैसे जाते हैं वहाँ पर और वहाँ क्या क्या है, ये सारी आज के दिन की सारी बातें। तो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। तो दोस्तों, अभी हम आ गए स्टेशन, मलाड स्टेशन, जैसे मैंने बोला था आपको। और दिस आर द पीपल आई टोल्ड यू अबाउट जो ज्वाइन कर रहे हैं। सो दिस इज काम्या, दिस इज विधि, चर्चगेट करिता, बारह डब्यांची, धीमी लोकल। और चर्चगेट से अभी आगे बस पकड़ के हम आगे जाने वाले हैं। तो कैसे जा रहे हैं देखते रहे। बस नंबर 137। ओके, इसको ऑलरेडी पता है, एसी बस है, सब पता है। चलो, तो फाइनली चर्च गेट पहुंच रहे हैं। 1 घंटा और आधा घंटा स्टेशन पे वेटिंग किया हमने। ये लाल टी शर्ट की वजह से आधा घंटा वेट करना पड़ा। लाल बंदी लग रही है। तो भाई वो अभी यहाँ से खाना जाने जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 1 बज गए। और 1 बज के फिर अभी निकलने वाले थे, बड़ा मुश्किल था। हाँ, और अभी 1 बज गए तो अभी भूख भी बहुत लगी है, जिसके अभी कुछ तो खा के जाएंगे। ये क्या चले के चल रही है तू? इमोशनल पैकेज। अरे वो अकेला किधर जा रहा है? लाल बत्ती, रोज ही लाल बत्ती है, लाल के लोगों को कलर ही नहीं दिख रहा, और बोलता व्हाइट फेवरेट कलर है। इधर 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 अच्छा, ये बस स्टॉप से जाएगा। बोला मैंने 137 जाएगा। ससुन डॉक, अरे टिकट तो निकाल, अरे उधर से निकालेंगे। अब 106 ये लो, बोला मैंने 137 जाएगा। अब 106 भी जाएगा, इधर बता तुम्हें 137 जाएगा ना। बस नगर में होगा तो फिर उसका रेट अलग। नहीं 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 नहीं, लेके चलो। कितना हुए संदीप? कितने हुए? 280 रुपीज हुए चर्च गेट से यहाँ तक आने में। पर पर्सन कितने हुए? पर पर्सन 40 रुपीज में किया। एक्चुअली वो 50 बोल रहे थे, लेकिन हमने 40 में किया। और मुंबई अर्बन आर्ट फेस्टिवल, तो वेलकम, लेट्स गो। यहाँ से शुरू होती है हमारी जर्नी आर्ट फेस्टिवल की, और आगे देखते क्या क्या है। ये मैप है यहाँ पे। अभी हम इधर है। अभी कहाँ पे हम? यहाँ। अच्छा, ओके। गाइस, यहाँ पर ना दो लाइन लगा हुआ है। ये जो है जो बनाया है, इसके अंदर एक एग्जीबिशन है छोटा सा, इसलिए वहाँ पर लाइन लगा है, तो वो हम बाद में जाएंगे। तो फिलहाल हम कंटिन्यू करते हैं। फॉलो द स्मेल वहाँ लिखा है, तो कम ऑन, फॉलो द स्मेल। फॉलो द स्मेल, या फॉलो द स्मेल लिखा है। हाँ यार, सच में। क्या कुछ तो लेना पड़ता है? क्या बैंड वगैरह लेना पड़ता है? थैंक यू गाइस, इट्स आर्ट फॉर ऑल। रियाना, क्या है ये? आर्ट फॉर ऑल, आर्ट फॉर ऑल। इसमें अच्छे से दिख रही है। अच्छा, आर्ट फॉर ऑल। मैं एक और बार कराऊं क्या? ये होप दिख, इसके लिए होप दिख रहा है। होप। अभी हम कौन से इसमें जा रहे हैं? यहाँ पे बहुत सारे लाइन्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे लाइन्स हैं। तो एक लाइन पकड़े हुए हैं, जिसके अंदर हम सेकंड एग्जीबिशन में जा रहे हैं। सेकंड वाला, फर्स्ट वाला उस तरफ है, ये सेकंड है। हम पहले सेकंड में जा रहे हैं, देन वी विल गो टू फर्स्ट, बिकॉज फर्स्ट का बहुत बड़ा लाइन है, और वो लाइन आगे भी नहीं, आगे नहीं बढ़ रही। बिल्कुल एकदम मलाड के ट्रैफिक जैसे हो गए। हमारा जीवन एग्जीबिशन में ही कट रहा है। गाइस प्लीज, कोई भी आ रहा होगा तो प्लीज कैरी योर मास्क, इट्स टू मच बदबू, इट्स वेरी स्मेली, वेरी स्मेली। यू कैन नॉट, इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो नॉनवेज को भी पहन। हां, इवन नॉन वेजिटेरियन को भी ऐसा।
भी आपको मिल जाएगा का कॉम्पिटिशन में। इट्स बेसिकली जनरल नॉलेज अबाउट बॉम्बे, तो इसमें आप जीतोगे ना तो आपको ये बॉम्बे की राइड मिलेगी। एंड एज यूजुअल स्मार्ट एस जीत रही है, मुझे बॉम्बे की राइड मिलेगी। कुछ नया झूठ है यार, बिल्कुल ऐसी कंपटीशन के बारे में सब होती है, इनको नहीं मिली। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे कंपटीशन कुछ नहीं है। और तो आगे जाते हैं और क्या कह रहे हैं, कुछ चीजें समझ में कुछ भी नहीं समझ। क्या वॉशरूम को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने? वॉशरूम को भी नहीं छोड़ा गाइस, वॉशरूम में भी आठ, सब जगह वॉशरूम आठ हो रहा है। अब एक और आठ दिखेगा, एक आठ जाना पड़ेगा। वॉशरूम में भी आठ बना के रखा है, मतलब ऐसा तो कोई भी घुस जाएगा गलती से, बाद में जाने के बाद पता चलेगा गलत जगह पे। ऊपर गया एक जगह जिसकी आपने सब जगह फोटो देखी होगी, सबकी स्टोरीज पे फोटो देखी होगी, तो बहुत हमने भी डाले, हम भी डालेंगे। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम आर्टिफैक्ट्स से। इज दिस दिस पीछे से लो, वेरी माइन्यूट डिटेलिंग गाइस। डिटेलिंग गाइस, ये ड्राइव पे लग रही है अपनी, ई फा एग्जैक्टली, ये ओरिजिनल लग रहा है वैसे ही। हां यार, डिटेलिंग गाइस, फोटोग्राफी स्किल्स को मैं तो हैट्स ऑफ करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? इसने अभी फोटोग्राफ आईफोन का कमाल है, बाकी गंडा आईफोन का कमाल है, आईफोन चलाने वाला कमाल। एक्सक्यूज मी, आप मुझे बता सकते हैं ये किससे बना है? सनी आइडिया सर, मोड एमडीएफ हां, लोथ यूज किए हैं, ओके, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये कितना डिटेल इन्होंने बनाया, कंप्लीट डिटेल्स। ये सब हर एक स्ट्रक्चर देखो, ये आप देख सकते हो कैसे स्कैप लगाया उन्होंने। एंड यू नो हर एक स्ट्रक्चर में देयर इज स्लम एरिया, प्रॉपर बिल्डिंग, इनकम्प्लीटेड बिल्डिंग, सब पूरा मुंबई हर एक स्ट्रक्चर में। सी दिस इज एरिया जहाँ पे आपको चप्पल निकाल के आना है, यहाँ पे नीचे भी हार्ट बनाया हुआ है और बाकी हर तरह पार्ट बनाया है। यहाँ आप बैठ सकते हैं, बैठने के लिए भी जगह बनाई है उन्होंने, और यहाँ पे फोटो भी खींच सकते हैं। यहाँ पे टिंट लगाए हैं पिंक कलर के, बहुत अच्छे फोटो आ रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे ऐसे कुछ फोटो आ रहे हैं, वेरी गुड फोटोज। यहाँ पे फोटो खींचने की बहुत अच्छी अच्छी जगह इन्होंने बना के रखी है। But definitely there is art. If you don't understand art, still you can come here and enjoy everything. अभी आधा घंटा लाइन में रुकने के बाद हम यहाँ आए। एक नीचे ट्यूबलाइट वाला आपने देखा होगा वीडियो, वो था, और यहाँ पे कुछ आर्ट पीसेस है, let's see क्या है यहाँ। काफी कुछ डिफरेंट सीखने को मैंने आर्ट के बारे में। क्या सीखने मिला? यही कि हम वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट कैसे यूज कर सकते हैं। एशियन पेंट्स ने स्पॉन्सर किया इन सब आर्टिस्ट को, काफी अच्छे आर्टिस्ट हैं यहाँ पे। आप इंस्टाग्राम में काफी आप इन आर्टिस्ट को कैच कर सकते हैं। एशियन पेंट्स प्लीज कुछ कुछ भेज दो, एवरीवन तुम सबको इसमें क्या दिख रहा है, क्या क्या और क्या क्या दिख रहा है बताओ, क्या क्या दिख रहा है? ओके, बेसिकली दिस आदमी वो मछली, बड़ी सी मछली है, वो उठा के लेके जा रहा है। यस, एंड यहाँ पे ये लकड़ियाँ उठा के लेके जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ तक आर्ट फेस्ट कंप्लीट होता है, आपने सारे मजा मस्ती देख ली होगी कि क्या क्या किया है और हमने क्या क्या मजा मस्ती की है। तो आप भी आपके दोस्तों के साथ ऐसे ही आइए, ऐसे दोस्तों के साथ, मतलब आ सकते हो अकेले, इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, क्या बताओ सबको। एंड वर्थेड है देखने के लिए, है और फ्री है, फ्री एंट्री है, फ्री एंट्री आपको, द बेस्ट आर्ट एग्जीबिशन आई हैव सीन।
ओके मतलब फर्स्ट देखा इसलिए सर फर्स्ट लव आर्ट प्लीज डू एंड स्पेशली आर्किटेक्चर को अगर देख रहा है अगर कोई आर्किटेक्चर स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है गाइस बेस्ट प्लेस फॉर यू बेस्ट प्लेस द बेस्ट प्लेस गाइस द बेस्ट तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया आगे भी ऐसे आर्ट ब्लॉग देश का चैलेंज ड्रॉ विद सिप ऐसे भी आगे ऐसे आर्ट ब्लॉग्स आएंगे लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और हमारे फ्रेंड का चैनल आगे बढ़ाइए चलो बाय।